तो पूछ रहे हो तो की वारदात हुई थी, उसमें अभी तक पुलिस को क्या कहते हैं? हम लोग का एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, बहुत क्लियर कट मिला है घटना करके जो भाग रहा है उसका फुटेज मिला है। हमने सभी जगह प्रचार किया है। अभी हमने हमारा जनपद बरेली पुलिस स्तर पर उसका रिवार्ड भी घोषित किया। जो व्यक्ति उस आदमी की पहचान करेंगे और उनका बारे में कोई भी जानकारी देंगे, गोपनीय जानकारी देंगे, हम लोग का जो SSP बरेली का CUG नंबर पर और हमारे SP क्राइम का CUG नंबर पर, हमारे SP सिटी का CUG नंबर पर कोई कोपनी सूचना देंगे उसका हम 25,000 इनाम देंगे। हम लोग उसका आगे हम ट्रेस कर रहे हैं और टीम गठित किया है। हम लोगों ने हर जगह ये प्रचार किया है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और न्यूज़ पेपर के माध्यम से प्रचार किया। हम लोग जल्दी से जल्दी केस को खुला सकें। सर, अब तक की जांच में क्या निकल गया है सर, कि क्या लगता है, कोई गलती है या फिर कोई नहीं? अभी इसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, कोई चीज़ हम इसके ओपनली नहीं बोल सकते। अभी इसको बोलेंगे तो जो भी अपराधी वो सख्त हो जाएगा, उसके बारे में हम कोई रिवील नहीं कर सकते। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी तक उसको अभी तक कोई क्लियर कट मोटिव अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा। जो आदमी है सर, वो क्या कोई नज़दीकी रहा है, CCTV में दिखाई पड़ रहा है सर? नहीं भाई, इससे सर का उसे हम लोग का उनका घर का परिवार लोग कोई पहचान नहीं कर रहा, इसका मतलब उनका घर का नर्सिंग नहीं हो सकता, क्यों घर वालों को सब लोग इनकार कर रहा है, उसके पहचान नहीं कर रहा। और इसके बाद पुलिस अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे पता चलेगा।